सबसे पहले आपको जो भी फ्लेवर्स बनाना है उसमें सबसे पहले उसकी रेसिपी के हिसाब से वाटर और शुगर, समझो ला वाटर और शुगर आपको कोई भी एक बाउल में ऐड कर देना है। जैसे कि फिलहाल हमने ओनली वाटर और ये शुगर है उसको रेसिपी के हिसाब से ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको इसको प्राइमस के ऊपर रखना है, इसे प्राइमस के ऊपर रख के अराउंडली आपको एक मिनट तक इसको चलाना है, इसको घुमाना है, क्योंकि अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो शक्कर जो रहता है वो तलिए पे चिपक जाएगा, इसलिए एक मिनट के अंदर जो शक्कर है अच्छे से पिघल जाएगा। उसके बाद उसको प्राइमस के अंदर धीमी हीट के अंदर उसको तपते देना है अराउंडली 10 से 15 मिनट, जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक उसको स्टार्ट रखना है आपको। एक मिनट तक ऐसे आपको हिलाना है इसको, जितना भी जैसी भी आप रेसिपी बनाते हो, ये हमने वन सेट का बनाया है। अब अगर आपको एक साथ 10 सेट भी बनाना है तो एक साथ 10 सेट के हिसाब से शुगर और वाटर ऐड करके एक भी बाउल में रख के इसको प्राइमस में स्टार्ट कर देना है आपको। इसे ये आप देख सकते हो चाशनी बन के तैयार हो चुकी है, गरम करके हमने इसकी चाशनी बना डाली है आप देख सकते हैं इसमें, और ये वाली भी बन चुकी है हीटिंग करके प्रोसेस से बन चुका हुआ है। एक फ्लेवर ऑलरेडी ऑरेंज का बना के हमने बाउल में भी भर दिया है, और दूसरा एक फ्लेवर यहाँ पे आरबुल का मेक हो रहा है। ऐसा फ्लेवर मिक्सचर मशीन जो है, जो मशीन के साथ हम फ्री में देने वाले हैं, अभी आरबुल का फ्लेवर हम डालेंगे। आप देख सकते हैं एनर्जी ड्रिंक टाइप का फ्लेवर से इसको हम बनाएंगे आपके सामने। इसको कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी है, इसका एसेंस डाला है हमने, आप देख सकते हैं एसेंस डाला है इसमें। उसके बाद उसका जो पाउडर मटेरियल आता है वो पाउडर डालेंगे उसका साथ में। आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेवर बना है। अभी इसको चालू कर दिया, आप देख सकते हैं फ्लेवर मिक्सचर से इसको ब्लेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाउडर अभी हमने जो डाला लिक्विड डाला उसका जो चाशनी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जावे, अच्छे से एक रस हो जावे दोनों, तभी उसका क्वालिटी टेस्ट और परफॉर्मेंस बन पाएगा और आपको परफॉर्मेंस मिल पाएगा। बेस्ट क्वालिटी का फ्लेवर विथ बूस्टर सिस्टम के साथ हम भर के आपके लिए सैंपल तैयार कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप इस तरीके से फ्लेवर को मेक कर सकते हो, बना सकते हो, फिर इस टाइप के बाउल में फिलअप हो जाएगा। 20-20 लीटर के इस तरह के बाउल है, इसमें फिलअप होके फिर मशीन के अंदर से हम गुजारेंगे इसको, ये मशीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब बॉटल्स खाली स्टिकर लगा के हमने रखी हुई है रेडीमेड, ये सभी बॉटल में से प्रोडक्शन बन के निकलेगा, पूरा प्रोडक्शन हम तैयार करेंगे इसके अंदर से। आप देख सकते हो सभी ऑरेंज का है, सेवन अप टाइप का ड्रिंक है, आरबुल है, जीराफा फ्लेवर है, प्लेन सादा सोडा है, तो सभी फ्लेवर आप टेस्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आज की इस वीडियो स्पेशली सोडा बोटल फिलिंग प्लांट, खुद का एक कंपनी, खुद का एक फैक्ट्री डालिए, कम इन्वेस्ट के अंदर, कम लागत में और कम जगह के अंदर खुद का एक फैक्ट्री ब्रांड लगा के मार्केट में सेल करके रोजाना 8 से 10 हज़ार का नेट प्रॉफिट कीजिए, और नेक्स्ट में आपका एक खुद का कंपनी बनाइए, खुद का कंपनी ग्रो अप कीजिए। दोस्तों वीडियो में सब डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों, फ्लेवर कैसे बनानी है, स्टिकर कैसे लगाना है, बोतल कैसे वॉश करना है, बोतल कैसे फिल करना है, मशीन में से कैसा क्वालिटी निकलता है बूस्टिंग सिस्टम वाला, तो ये सब जानकारी वीडियो में पूरी देने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि ऑलरेडी हमने फ्लेवर बना के रखी है जिसमें एक रेडबुल का आरबुल का फ्लेवर है, जीरा मसाला फ्लेवर है, ऑरेंज का फ्लेवर है और एक स्प्राइट टाइप का लाइम अप का फ्लेवर है। दोस्तों ये चार फ्लेवर बनाए हमारे कस्टमर, हमारे व्यूअर जो वीडियो देखते हैं उनके लिए हम सैंपल ड्रिंक सैंपल बॉक्स तैयार कर रहे हैं कि घर बैठे वो फ्लेवर टेस्ट चेक करें, वो घर बैठे पी के चेक करें कि कैसा क्वालिटी, कैसा टेस्ट, कैसा स्ट्रॉन्गनेस, कैसा पावर वाला सोडा ये मशीन के अंदर से बनता है, ये मशीन में से ऐसा प्रोडक्शन निकलता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे मॉडल है, लेकिन ये मॉडल हमारा खुद का डेमो का मॉडल है, इसलिए इसमें से हम डेमो ड्रिंक की तैयारी कर रहे हैं, डेमो ड्रिंक बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लो बजट में भी मॉडल है, इससे ज़्यादा बजट वाला, ज़्यादा क्वांटिटी वाला मॉडल चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये फ्लेवर हमने बना के रखे हैं, वीडियो के क्लिप में आपको इसकी फ्लेवर की भी तरीका बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का 100 डेज तक अच्छा रहे फ्लेवर, वैसा कैसे बनाया जाता है मशीन के लिए। तो ये वीडियो, ये जो हमने फ्लेवर बनाए थे उसके भी क्लिप हमने बनाई है, चालू वीडियो के अंदर ये क्लिप हम जॉइंट करके आपको दिखाएंगे कि फ्लेवर कैसा बनता है, कैसी क्वालिटी बनती है।
मेन इंपोर्टेड प्रॉफिट की बात कर दो दोस्तों, तो इस टाइप का 200 ml का बोतल बनाने का खर्चा आपको 5 रुपए में गिरता है दोस्तों। 5 रुपए में बोतल, केप, फ्लेवर, शुगर, स्टिकर, 24 पीस का बंच है, सब कुछ मिला के 5 रुपए में एक बोतल गिरता है दोस्तों। रिटेल में 10 रुपए में बिकता है, होलसेल में आप 7 से 7.5 रुपए तक बेच सकते हैं दोस्तों। अगर आप 7 रुपए में भी बेचते हो, एक बोतल पे 2 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। मशीन की कैपेसिटी रोजाना 4000 बोतल निकालने की कैपेसिटी है, एक दिन में आप 4000 बोतल निकाल सकते हो, इसलिए नेट प्रॉफिट सब खर्चा निकाल के रोजाना आपको 8000 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। इसमें बड़ी मॉडल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आपको रोजाना 10000 बोतल, रोजाना 15000 बोतल, रोजाना 25000 बोतल का भी मशीन जो है तो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम हमारे कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, सलाह देंगे कि आपको अगर बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट करना है तो छोटे प्लांट से अपना प्लांट स्टार्ट कीजिए, छोटी सी जगह, छोटे से इन्वेस्टमेंट से, छोटे से मेंटेनेंस के अंदर आप खुद का एक प्लांट स्टार्ट कीजिए। जैसे ही मार्केट में आपका ग्रो अप होता है, जैसे ही आपका प्लांट चलता है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट लोगों में डिमांडेड होता है, आप अपना प्लांट पूरा छोटा प्लांट रिटर्न देंगे, बड़ा प्लांट आप एक्सचेंज भी हमारे से करा सकते हो, हम एक्सचेंज ऑफर भी आपको देंगे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, टाइम को गवाए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्लेवर में आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे मशीन में से ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। सबसे पहले मशीन के अंदर ऑलरेडी सोडा स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से सोडा का फ्लेवर स्टार्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोडा का फ्लेवर स्टार्ट है अभी, इसके अंदर सोडा फिल हो रहा है और यहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर लगा के सिरप भर सकते हो। अभी हमने इसमें पानी डाला है इसलिए वाटर वॉशिंग हो रहा है, पानी का लाइन दिया इसलिए वाटर वॉश हो रहा है। ये आपका बोतल तैयार हो चुका है, यहाँ पे ढक्कन लगा के कैप कर देना है आपको। ये सब बोतल हमने स्टिकर लगा के तैयार रखा हुआ है, लाइमा पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज का बोतल है, ये ऑरेंज का स्टिकर लगाया हुआ है हमने। यहाँ पे आरबुल का फ्लेवर है, आरबुल का स्टिकर लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीरा का फ्लेवर लगाया हुआ है। तो चारों चार बोतल का प्रोडक्शन आज हम मशीन के अंदर से निकाल के आपके लिए लाइव वीडियोग्राफी और कैसे बनता है, कैसे चीज ऑपरेट होती है मशीन, पूरी जानकारी ये वीडियो के अंदर देने वाले दोस्तों। और मशीन कोई भी आप लेते हो दोस्तों, मशीन के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री किट सारी देते हैं, जैसे कि वो आरओ प्लांट है आप देख सकते हैं, आरओ प्लांट मशीन के साथ फ्री में मिलेगा। फ्लेवर मिक्सचर मशीन हैवी ड्यूटी है, फ्री में मिलेगा। बोतल धोने के लिए बोतल वॉशर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच कोडिंग है, 24 पीस का जो पैकेट बनाएंगे इसका हॉट गन है, डेट कोडिंग है, फ्लेवर्स है इसके, CO2 गैस का सिलेंडर है, पूरी मशीन कंप्रेसर सिस्टम, कार्बोनेटिंग सिस्टम के साथ पूरी यूनिट कंप्लीट है। तो ये सब चीज़ मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कोई भी फ्लेवर मशीन के अंदर दो फ्लेवर फिलहाल लगाते हैं, जैसे कि हम एक जीरा मसाला लगाएंगे और स्प्राइट 7-Up का एक फ्लेवर लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आओ, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जीरा मसाला का फ्लेवर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जीरा से ना जवा दियो वहाँ यहाँ रखी जा गलत से बस, ये जीरा का फ्लेवर है। इसके अंदर हम पाइप डालेंगे जीरा की, ये वाटर में से निकाल के जीरा की हमने पाइप डाली है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्प्राइट का फ्लेवर है, स्प्राइट का फ्लेवर हम लगाएंगे इसमें, हाँ से ना स्प्राइट, ये स्प्राइट का फ्लेवर लगाएंगे, स्प्राइट का लगाइए एक बार। लाइव वीडियो में ही आपको इसके अंदर ऑपरेट करके बताएंगे कि कैसे चला सकते हैं आप इसको। अभी यहाँ पे हम फ्लेवर से इसको लाइन में ले लेंगे, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल पानी निकल रहा है, थोड़ा जूम करके वीडियो इसके ऊपर ही फोकस रखो, इसलिए फ्लेवर दिखेगा हमारे व्यूअर्स को, ये आप देख सकते हैं अभी पानी निकल रहा है इसके अंदर, जो जीरा का हमने लाइन दिया अभी वो लाइन में आएगा जीरा फ्लेवर इसके अंदर। अब देखिए कलर चेंज हो गया है, जीरा का फ्लेवर आना चालू हो चुका है इसके अंदर। उसी तरह हम यहाँ पे स्प्राइट का लाइन भी ले लेंगे, स्प्राइट का भी दिखाई हमारे व्यूवर्स को थोड़ा मूवमेंट करके। अभी यहाँ पे पानी आ रहा है, पहले ये वाटर आ रहा है इसके अंदर, अब देख सकते हैं वाटर आ रहा है इसमें। इसका मैं आपको सोडा का क्वालिटी भी बताऊंगा कि कैसा स्ट्रॉन्ग सोडा, कैसा पावर वाला सोडा बनता है मशीन के अंदर से। स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं 7-Up का फ्लेवर, चाशनी, क्योंकि वाइट ट्रांसप्लांट कलर है इसलिए दिखेगा नहीं अपने को, इसलिए चाशनी आ रहा है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं ये चाशनी घट आ रहा है, पूरा पानी पतला रहता है, घट आ रहा है फ्लेवर, ये लाइन में आ चुका है।
अभी हम इसमें से प्रोडक्शन आपको करके बताएंगे कि कैसे आप प्रोडक्शन इसमें से कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लेवर भरेंगे, सादा सोडा भरेंगे प्लेन, 160 ml प्लेन सोडा भरेंगे। 160 ml यहाँ पे हमने सेटिंग किया हुआ है, 160 ml सोडा भरा, उसके बाद ऊपर का 40 ml है वो सिरप भरेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं जीरा का फ्लेवर बन के तैयार हो रहा है, ये आपका बोतल हो गया है तैयार। अभी इसको आपको लगाना है कैपिंग, यहाँ पे ढक्कन है, ये ढक्कन लगा के हम इसको चालू कर देना है आपको। ये आपका बोतल होके तैयार हो चुका है। उसके बाद स्प्राइट का फ्लेवर आपको बना के दिखाता हूँ, इसमें से स्प्राइट का बोतल है। सेकेंड फ्लेवर जो हमारा स्प्राइट है उसका सोडा पहले फिल हो चुका है, उसके बाद यहाँ से हम इसमें सिरप भरेंगे। इसका सोडा क्वांटिटी थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी थोड़ा कम है इसका, ये यहाँ तक ही भर रहा है बोतल, आप देख सकते हैं। अभी हम दूसरा क्वांटिटी बढ़ा के आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वांटिटी बढ़ता है इसका। यहाँ से इसका सेटिंग बटन है, अभी पहले का बोतल जो भरा है यहाँ तक भरा हुआ है, अभी दूसरा बोतल कहाँ तक भरेगा वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं क्वांटिटी बढ़ चुका है यहाँ पे। ये क्वांटिटी दूसरा मैं आपको भर के बताता हूँ कैसे क्वांटिटी बढ़ता है। ये पहले का क्वांटिटी है, ये भी दूसरा बोतल दिया उसका क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं एक नंबर बढ़ा है इसलिए कहाँ तक क्वांटिटी बढ़ चुका है। अभी हमारे को थोड़ा क्वांटिटी यहाँ तक ही लेना है, कम करना है इसको, इसलिए थोड़ा हम और डाउन करेंगे इसको। ये तीसरा बोतल हमने सेट किया है उसका क्वांटिटी हम मैच करेंगे इसके अंदर। पहले का क्वांटिटी इतना था, दूसरा क्वांटिटी इतना था, अभी तीसरा क्वांटिटी मैच करेंगे इसमें। ये कम हो चुका है देख सकते हैं क्वांटिटी। उसके बाद अभी हम यहाँ से सिरप भरना चालू कर देंगे। यहाँ पर सिरप जो सेवन अप का सिरप है यहाँ से हम भरना चालू कर देंगे। ये सेवन अप का सिरप भर रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं सेवन अप स्प्राइट जो हमने फ्लेवर किया ये भर के तैयार हो चुका है अपना बोतल। स्प्राइट का फ्लेवर तैयार हो चुका है, उसको अभी कैपिंग करने के लिए यहाँ पे बाउल है, इससे हम इसको कैपिंग कर देंगे। ये आपका स्प्राइट का फ्लेवर तैयार हो चुका है। स्प्राइट, सेवन अप, माउंटेन ड्यू, आप कोई भी फ्लेवर बोल सकते हो, लाइम अप का फ्लेवर है, इस टाइप का फ्लेवर तैयार है। यहाँ पे जीरा मसाला का एकदम बूस्टर सिस्टम वाला सोडा तैयार है। और सादा सोडा अगर आपको भरना है, प्लेन सोडा ले लाओ तो स्टिक करोगे नहीं बाटली, प्लेन बूस्टर किनली टाइप का अगर सोडा भरना है तो ओनली आप ए नल में से ओनली प्लेन और सादा सोडा ही फिलअप कर सकते हो। उसका सेटिंग थोड़ा चेंज करेंगे, पूरा पूरा बोतल भरने के लिए यहाँ पे 7 नंबर कर देंगे, ये 7 नंबर कर देंगे यहाँ पे, जाइए ये सादा सोडा इसमें हम फिलअप करेंगे। आप देख सकते हैं सादा सोडा फील हो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब इसको पूरा बोतल आपको भरना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो पूरा बोतल भरने के लिए। अभी हम खाली कर देते हैं बोतल को, आप देख सकते हैं पूरा बोतल भर रहा है। अभी जैसे क्वांटिटी आपको अप डाउन करना है यहाँ पे डिस्प्ले में वन टाइम आप सेट कर सकते हो। ये पूरा बोतल भर के तैयार है, आप देखिए बूस्टर सोडा बबल्स कितना आ रहा है आप देख सकते हैं सोडा के अंदर। इसको ढक्कन लगा देना है आपको यहाँ पे, ये ढक्कन लगा के आपका बूस्टर सोडा भी तैयार हो चुका है। किनली लहर टाइप का जो बूस्टर सोडा रहता है ये भी तैयार हो चुका है आपका। इसका भी क्वालिटी आपको देखना है कि कैसा क्वालिटी है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप क्वालिटी देखिए इसका कितना उबाल आ रहा है इसके अंदर, अपने नीचे डाल के भी आपको दिखा रहा हूँ, जमीन में डाल के आप देख सकते है जो बबल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बबल्स आ रहा है इसके अंदर। अगर दोस्तों आपको इस तरह का सॉफ्ट ड्रिंक टेस्ट करना है कि कैसा टेस्ट होता है, जीरा मसाला कैसा टेस्ट रहता है, सेवन अप स्प्राइट कैसा पीने में लगता है, कंपनी के माफिक लगता है, कंपनी के साथ मैच होता है टेस्ट, तो आप हमारे को कांटेक्ट करके सैंपल ड्रिंक घर बैठे मंगा सकते हो। टोटल 4 फ्लेवर हम आपको सैंपल में भेजेंगे, जिसमें एक स्प्राइट होगा, जीरा मसाला होगा, एक आरबुल होगा और एक ऑरेंज होगा और एक प्लेन सादा सोडा। टोटल 5 वेराइटीज हम आपको होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल भेजेंगे दोस्तों। टेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सी कंपनी का कौन सा मशीन आपको लेना है, कौन सा मॉडल लेना है। बहुत सारे मॉडल से हमारी सेल्स टीम है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हैं। वैसे तो फ्लेवर के अंदर दोस्तों मोर देन 40 फ्लेवर आते हैं, लेकिन जो चलने वाले ज़्यादा मार्केट वाले फ्लेवर है, जो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, वही हम फ्लेवर आपको बना के टेस्ट करवा रहे हैं।
और ये जो फ्लेवर है स्टैंडर्ड टेस्ट है दोस्तों। इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है, कुछ स्वीटनेस बढ़ाना है, कम करना है, जीरा का स्माइल बढ़ाना है, कलर को लाइट करना है, कलर को डार्क करना है, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट टेस्ट होता है दोस्तों। तो हर एक टेस्ट के स्टेट के लिए हम अलग अलग आपको वेराइटीज, आप जैसा भी मॉडिफिकेशन मांगेंगे सब आपको बना के देंगे। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।